अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन हटक ब्रदर्स। आज आपके लिए लेके आया हूँ होंडा सिविक 1996 मॉडल है और जो कीमत है आप सुन के हैरान हो जाएंगे। गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन है और गाड़ी की तमाम तर कंडीशन आपसे शेयर करूंगा। गाड़ी की तमाम तर डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि गाड़ी के मुतालिक आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिल सके और ये गाड़ी आप इजिली परचेज कर सके। तो चलिए चलते हैं और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, गाड़ी आपके सामने मौजूद है, ओल्ड मॉडल है लेकिन डिमांड भी इसकी बहुत ही कम है। गाड़ी की तमाम तर कंडीशन आपसे शेयर करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी का साइड लुक आपके सामने मौजूद है, होंडा सिविक है, VTI ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन है और 1996 का मॉडल है गाड़ी का। बहुत ही मेंटेन कंडीशन गाड़ी है, अलॉय व्हील्स बहुत ही अच्छी कंडीशन में इस गाड़ी में इंस्टॉल किए गए हैं। एक्सटीरियर से जो गाड़ी है वो आपको माइनर टचिंग में देखने को मिल जाती है और एक्सटीरियर से गाड़ी को फ्रेश लुक देने के लिए पेंट किया गया है। इस गाड़ी का जो पेंट है वो आपको ओरिजिनल पेंट देखने को नहीं मिलता, शावर है। लेकिन अगर गाड़ी के इंटीरियर से बात करें तो 100% गाड़ी जेन्युइन है। गाड़ी का फ्रंट लुक आपके सामने है, किसी किस्म का कोई मेन टचअप या मेन एक्सीडेंट आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलता। गाड़ी की फ्रंट लाइट्स आपको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल देखने को मिल जाती हैं और उसी के साथ इस गाड़ी में आपको सिंध की रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाती है। फॉग लैंप्स आपको बम्पर पे इसमें इंस्टॉल मिलते हैं। उसी के साथ गाड़ी का जो विंड स्क्रीन है उस पे आपको किसी किस्म के कोई स्क्रैचेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। बहुत ही मेंटेन कंडीशन, इतनी ओल्ड मॉडल गाड़ी है और बहुत ही बेटर कंडीशन मौजूद है। इस गाड़ी में आपको रजिस्ट्रेशन सिंध की देखने को मिल जाती है और इंटीरियर से गाड़ी 100% सीलों में है। एक्सटीरियर से गाड़ी में माइनर टचअप हैं और एक्सटीरियर से गाड़ी जो है वो आपको शावर देखने को मिल जाती है। गाड़ी के बैक लुक की बात करें तो बैक लाइट्स आपको हैलोजिन्स लैंप्स में प्रोवाइड की जाती हैं और ट्रंक की जो सीलें हैं वो हल्की बहुत डैमेज हैं, मीन्स के 50% समझ लें कि वो सीलें जो हैं वो मुकम्मल हैं। बैक लुक से भी आपको माइनर टचिंग देखने को मिलती है, किसी किस्म का कोई मेन टचअप नहीं है। इंजन रूम की बात करें तो होंडा का VTI का इसमें आपको इंजन देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में मौजूद है। इंजन सस्पेंशन गाड़ी का 100% ओके कंडीशन में है। अगर गाड़ी के हम इंटीरियर की बात करते चलें तो LCD बैक कैम इस गाड़ी में इंस्टॉल नहीं है क्योंकि ओल्ड मॉडल गाड़ी है। म्यूजिक सिस्टम MP3 गाड़ी में देखने को मिल जाती है। ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट ट्रांसमिशन है और बहुत ही अच्छी कंडीशन, बहुत ही मेंटेन कंडीशन इंटीरियर गाड़ी का है। इतना ओल्ड मॉडल भी है लेकिन एक्सटीरियर से गाड़ी में टचिंग है, इंटीरियर से गाड़ी में कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। लेदर सीट पोशेस इस गाड़ी में हुई हुई हैं, पेट्रोल CNG दोनों आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती हैं। बहुत ही अच्छी कंडीशन गाड़ी है। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप इजिली रब्ता करके ये गाड़ी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।